नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। मेरी बच्ची का नाम रंजिता है और उसके मुरत का नाम दिनेश है। मेरी बच्ची को बहुत टॉर्चर करता था, बहुत मारता था मेरी बच्ची को। जब बोला जब मैं पैसे भी देती थी, मैं परसों भी 50,000 मांगा तो देने को तैयार हो गई। मैं 5 लाख की जमीन भी दिलाई मैंने। और मेरी बच्ची प्रेग्नेंट है तो मेरा नहीं होता, किसका है कि बोल के मेरी बच्ची को लाता लाता मारा पेट में। डॉक्टर देख के बोल रहे बच्ची को बहुत पेट में लाता लाता आए, बोल रहे डॉक्टर बहुत मारे, बोल रहे डॉक्टर। अब मेरे बच्चों का इंसाफ होना मेरे को, ये बच्चों का हक होना मेरे को, ये बच्चों का। मेरी बच्ची को तो लगा मार डाले, ये बच्चों को भी मार डालते लगा। कल से बच्चे तड़प रहे, कोई नहीं आए लेने को बच्चों को, ना बाप नहीं आया, ना कोई नहीं आए, बुआरियाँ नहीं आए, ना कोई नहीं आए। मेरे बच्चों का हक होना, मेरी बच्ची की बच्चों का हक होना। देखो कब से हो रहा है ये बच्ची मेरी प्रेग्नेंट है, जब से ज्यादा टू मच करने लगा, 3 महीने से बहुत टू मच करने लगा मेरी बच्ची को। इतना मेरी बच्ची तड़पती थी, बात नहीं करता था, पाँव पड़ती मेरी बच्ची, बात करो के पाँव पड़ रही, तो भी लाता मार के ढकल दे रहा मेरी बच्ची को, चल निकल बोल के। बहुत बुरी मार मारा मेरी बच्ची को, रोडों पे भी मारता था मेरी बच्ची को। दाग होने में डॉक्टर नहीं प्रेग्नेंट है बोले तो खुशी से मेरी बच्ची हंसी तो हंस रही गई, तू पेट से बोल के हंस रही बोल के वहीं मार दिया मेरी बच्ची को, रोड पे ही मारा मेरी बच्ची को। वो फिर यहाँ आके गेट पे मारा मेरी बच्ची को, सबर नहीं होके फोन करके बोली मम्मी देख मैं पेट से हो तो वहीं मेरे को इतनी जोर से मारे, देख मेरे को पचकर। फिर घर कन भी मारे, देख मम्मी बोल के आके मेरे को फोन करके बोली बच्ची। फिर इनके घर वाले बुलाए तो मैं आई, आके फिर मैं समझा के बोली जानते माँ जानते, तेरे सास ससुर रेडी है ना, रखने को तैयार है। लगा देख लेते बोल रहे ना बोले तो नहीं मम्मी, लगा ऐसा बोल रहे आगे चल के फिर कौन देखते मम्मी, मेरा मरा नको ही नको बोल रहा, मेरे साथ बहुत टॉर्चर कर रहा मम्मी बोल के ही बोली। मेरा नहीं होता बोल रहा, बच्चा किसका बच्चा है कि बोल रहा। तो मेरी बच्ची यहाँ तक भी तैयार हो गई, मैं डीएनए टेस्ट भी करा तू, मैं तुम काई को मेरे को इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे बोल के भी बोली बच्ची। बोलने बड़े तो बहुत बात है मगर मेरे को ये बच्चों का हक चाहिए मेरे को। अच्छा इसका आखिर वजह क्या है लड़ाई झगड़ा करने की? प्रेग्नेंट है जब से बहुत दिल स्टार्ट करने लगा। मतलब क्या मतलब शक करते थे? नहीं शक नहीं करता था, उन्हें खुद फार करता था। एक बाहर एक लड़की के संगत वो करता था तो मेरे को बोली तो भी मैं जान दे माँ करने दे कितना करता कर लें दे जान दे बोल के मैं बच्ची को ही समझाती थी। और प्रेग्नेंट ये सब से और बहुत मचाया, लोगों के सामने इंसल्ट कर देना, बेइज्जती करना, हंसी उड़ाना ऐसा करता था। मेरी बच्ची को पैसे लाओ बोल के बहुत वो करता, चल बहुत करता था। मैं 5 लाख की जमीन भी दिलाई, 50,000 भी देने को रेडी हो गई, 50 तोला सोना दिए और जमीन खरीदे, जमीन बाजार में 5 लाख रुपए भी दिया, दिए वहाँ पर भी दिए जमीन दिए, कारखाना है वहाँ पर वो कारखाने में भी दिए उनको, मेरी बच्ची के चीजें दे दिए। वो टॉर्चर करता था ला ला बोल के मेरी बच्ची। अभी अभी उनकी मौत हुई कैसा? अभी उन्हें मार के फांसी डाल दिया, फांसी डाला मार के। आप लोगों को कब मालूम हुआ? मार के भी उस्माने में ले जाके डाल के, वो भी बाहर वालों से मालूम हुआ, लगा भी नहीं बोले हमारे को, बाहर वालों से मालूम हुआ तुम्हारी बच्ची ऐसा कर ली बोल के। कितने साल हुआ शादी? 10 साल हो रहा। बच्चों का इंसाफ होना हमारे को, शादी कर लेता 1 साल में बच्चे आ जाएंगे, 2 बच्चे। बच्चों का इंसाफ होना, कल से बच्चे देख रहे नहीं बच्चों को। दिल्ली में भी है और जियागढ़ में भी है, जियागढ़ की प्रॉपर्टी है बच्चों के नाम पे कर दो बोलो, 50 तोले सोना दिए और रिटर्न दे दो बोलो। 2 प्लाट इनके बाप के रिटायरमेंट के पैसे मिलाए दो और रजिस्ट्रेशन के पेपर उनके पास है, वो भी पेपर दिला दो बोलो। बच्चा क्या कर दो? बच्चा
बच्चा खारखाना है, खारखाना है, जाति खारखाना है उनका। वो खारखाने को भी बड़े बच्ची के चीजा ले लिए पूरे। अच्छा सर, 5 लाख भी लिए, चीजा ले लिए 5 लाख भी ले लिए। मेरी बच्ची का इंसाफ होना, बच्चों का हक होना और उसको सजा होना, उसको सजा होना, निकलना ही नहीं, जेल में रहना।